आयना अपने अब्बू की बातें सोच रही होती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है। उस्मान की अम्मी कहती है, जो होना था हो गया है। आयमा को सोचने तो क्या संभलने का मौका भी नहीं मिला। तुम उसके साथ नरमी से पेश आना। उस्मान कहता है, पहले आपको अपने भाई की फिक्र थी, अब भतीजी की, मेरी फिक्र कब होगी। सुल्ताना कहती है, मैं तुम्हारे ही भले का सोच रही हूँ। आबदा महमूद को कहती है, क्या अब भी आप मुझे माफ नहीं करेंगे। वो कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। आबदा अपनी बेटियों के कमरे में आती है और उनके बारे में सोच के बहुत रोती है। उस्मान कमरे में आता है तो आयमा कहती है, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझसे दूर हो जाओ। उस्मान कहता है, नहीं तो तुम क्या करोगी, यहाँ से चली जाओगी या मामू को बुला लोगी, तुम अब कुछ नहीं कर सकती। असद हमदान को कॉल करता है और कहता है, मैं अपनी आजाद जिंदगी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और मेरा प्रोजेक्ट भी खत्म होने वाला है। हमदान कहता है, तुमने वादा किया था तुम अपना प्रोजेक्ट खत्म करके वापस आ जाओगे। असद कहता है कि ऐसे अचानक से वापस नहीं आ सकता। हमदान कहता है, जो प्रोजेक्ट मैंने लिए थे वो मैं संभाल रहा हूँ और आगे तुमने देखना है। असद कहता है कि दोस्ती तो दोस्तों के काम आते हैं। सुबह के टाइम आयमा की बहुत बुरी हालत होती है कि उसकी फूफो से आवाज देती है। उस्मान की अम्मी कहती है, आ जाओ, मैंने तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाया है। उस्मान कहता है, आज से मेरे सारे काम यही करेगी, आप नहीं करेंगी, आप तख्त पर संभाले काम ये संभाल लेगी। ताना कहती है, हाँ क्यों नहीं, सारे काम अब इसी नहीं तो करने हैं पूरी जिंदगी तुम्हारे, लेकिन आज का नाश्ता मैंने खुद बनाया है। आयमा की फूफो से कहती है, तुम अच्छे से तैयार होकर बाहर आ जाओ। आयना हमदान को कहती है, मैंने जो कुछ भी किया आज के बाद कभी नहीं करूंगी, मेरा वादा है आपसे, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, आप मेरा साथ देंगे। हमदान कहता है, ठीक है। शानजे यूनिवर्सिटी जा रही होती है कि उसे हमदान और आयना नजर आते हैं। शानजे इन दोनों को इकट्ठे देखकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो आयना को नहीं पहचान पाती। शानजे कहती है, मैंने अभी तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा है, कौन है वो। हमदान कहता है, मेरी कुलीग है, हम साइट विजिट करने आए हैं। शानजे कहती है, मैंने पहले तो कभी नहीं सुना, ना आपने बताया। हमदान कहता है, तुम परेशान क्यों हो रही हो। शानजे कहती है, मैं इतने अच्छे मूड में निकली थी यूनिवर्सिटी के लिए, सारा मूड खराब हो गया है मेरा। आयना और हमदान आदरा के ऑफिस जाते हैं। आयना कहती है, मैं यहाँ पहले कभी नहीं गई, मेरे साथ आ जाए। आयना चाय बना रही होती है कि सारी चाय उबल के बाहर आ जाती है। वो कहती है, मैं चाय लेकर आती हूँ, तुम जाओ बाहर। आयना बैठने लगती है। उस्मान कहता है, तुमने मुझसे इजाजत ली। आयना कहती है, बैठने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए। उस्मान कहता है, हर काम करने के लिए, सांस लेने के लिए भी मेरी इजाजत चाहिए तुम्हें। आयना कहती है, मैं ऐसे साथ पर लानत भेजती हूँ। उस्मान कहता है, तुम लानत भेजने के काबिल भी नहीं रही अब। उस्मान की अम्मी कहती है, आयमा से सारी चाय उबल की थी, अब मैंने बनाई है, जैसी बनी है पी लो। उस्मान कहता है, ना तो बीवी मनपसंद मिली और ना ही नाश्ता। वो उठकर ऐसे ही ऑफिस चला जाता है। आयमा अपनी पप्पो को कहती है, मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आबदा महमूद को कहती है, आयमा के घर नाश्ता ले जाते, दुनियादारी ही सही। महमूद कहते, तुम्हें दुनिया की परवाह होती तो अपनी बेटियों पर नजर रखती। सायमा आयमा को कॉल करती है और कहती है, मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ, तुमने कर ली है। आयमा कहती है, सॉरी यार, मैं टेस्ट नहीं दे सकती, अब्बू की तबीयत नहीं ठीक, तुम्हें पता तो है।